डॉक्टर साहब, पंजाब की जो सियासत है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर इक्तदार संभाल रही है, बड़ी ऑपोजिशन है, क्या मामला चलाना आपके ख्याल में आसान होगा? विजन क्लियर है पार्टी को कि आगे पंजाब के अंदर क्या करना है? जी बिल्कुल क्लियर है, और मेरे ख्याल में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने वो विजन अपनी पहली मेडन तकरीर में पेश भी किया है। उसमें उन्होंने सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और मुख्तलिफ हवाला जात से उन्होंने अपना नुक्ता नजर जो है वो अवाम के सामने रख दिया है, और क्योंकि उनके पास सिंपल मेजोरिटी है इस वजह से इंशाल्लाह उनके रास्ते में कोई भी मसला हायल नहीं होगा। जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, ऑपोजिशन तो अच्छी चीज है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वफाकी सूबाई हुकूमत के जो गुजरा है वो पार्लियमान में जाएंगे और ऑपोजिशन का के जो तनकीदी जायजा है उसका जवाब देंगे, अपनी पॉलिसीज पेश करेंगे। उम्मीद सिर्फ ये है कि क्योंकि ये वैसे तो सुन्नी इतिहाद की ऑपोजिशन है मगर इसमें ज्यादातर लोग पीटीआई के हैं, तो पीटीआई को मस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करती नहीं है। अभी आपने वफाकी हुकूमत में भी देख लिया कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी कि भाई आप हुकूमत बना लें, अगर आप समझते हैं आपकी मेजॉरिटी है तो एक मस्बत रोल प्ले करें, मुल्क की तरक्की को आगे लेकर चलें और आप हुकूमत बना लें। और बिलावल साहब ने भी कहा कि हाँ हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हमारे पास 55 सीट्स हैं, ज्यादा सीट्स हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए उनका रवैया, उन्होंने यही कहा कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो खान साहब की पुरानी बात कि अपनी बारी लो और फिर विकेट उठा के भाग जाओ, बल्कि जाते जाते वो जो क्रीज होती है उसमें भी कुछ गड़े वड़े डाल जाओ दो तीन। तो ये रोल जो है उनका बड़ा अजीब सा है। पहले भी आपने सुना, वो देखा था, हमारे दोस्त हैं उस वक्त के वजीर खजाना करीम साहब, उनकी जो गुफ्तगू हुई वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के साथ और वजीर खजाना पंजाब के साथ, वो आपके सामने मंजरे आम पे आई गई कि मुल्क को सैबोटाज करने की इंस्ट्रक्शन थी उनको कि खान साहब कह रहे हैं मुल्क बर्बाद कर दो अगर हम लोग हुकूमत नहीं बनाते। अभी दोबारा भी उनका यही रवैया आपने देखा कि आईएमएफ के लिए उन्होंने, लेकिन डॉक्टर साहब पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जहां पर आपको कंपटीशन तो है इससे पहले, क्योंकि दीगर सूबों के अंदर पीपी में पीपल्स पार्टी कंटिन्यू कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटिन्यू कर रही है, यहां पर आपकी हुकूमत नहीं थी, फिर यहां पर जो है वो इलेक्शन भी जिस तरह से हुआ वहां पर भी जो है वो एक बड़ा स्प्लिट जो है वो मैंडेट है, तो एक टफ ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो मरियम नवाज जो कि पहली मरतबा जो है वो इस तरह से पार्लियामानी सियासत के अंदर जो है वो दाखिल हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये टफ ग्राउंड होगा उनके लिए? बजदार साहब की भी बात होती है और आपको मालूम है वो यहाँ पर चार साल रहे। देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैंने तो मरियम साहिबा के साथ खुद काम किया है और बड़ी तवील मुद्दत से कर रहा हूँ, 2013 से काम कर रहा हूँ। उनकी जो इंतजामी कैपेबिलिटीज हैं जो शायद अवाम के सामने अब आएंगी, मगर हम तो उसे देख चुके हैं, हमारी पूरी टीम जो थी वो जानती है कि उनकी लीडरशिप और इंतजामी कैपेबिलिटीज कितनी है। और फिर आपने ये जो अभी मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए तो जो जलसा था जिसकी पोलिटिकल मोबिलाइजेशन पूरे मुल्क में करनी थी, वो एक इंतजामी एक्टिविटी भी थी सियासी के अलावा, यानी पूरे मुल्क के लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, तमाम लोगों का इंतजाम करना, यहाँ पे इंतजाम करना लाहौर में जलसे का, और जितना बड़ा जलसा उन्होंने करवाया वो सबके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीजें तो आपके सामने हैं, उनका नैरेटिव आपके सामने है, उनकी जुर्रत आपके सामने है, उनकी सियासी जो सोच है वो आपके सामने है, और उनकी कैपेबिलिटी टू मोबिलाइज पीपल, यानी मुल्क में जिस जगह पे वो पैर रखती हैं 30-50 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो आपने देखा है। अब आपको नजर आएगी उनकी इंतजामी कैपेबिलिटी, और मुझे तो भरपूर यकीन है कि वो एक बड़ी आला टीम जो है उसे मौका देंगी, आगे लेकर आएंगी, यंग लोगों को आगे लाएंगी, और आप देखेंगे कि वो किस मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाती हैं पंजाब। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब पार्टी चलाना बात है, इंतजाम चलाना और बात है, यही आपसे पूछ रहा था, एक तो वो पार्लियामानी सियासत में पहली दफा आई हैं और फिर सबसे बड़े सूबे की वो वजीर आला बन रही हैं, अब तो इस तनाजुर में आपको लगता है डिलीवर कर सकेंगी? तो इससे क्या हर्ज है, वो इससे पहले सियासत में भी पहली मरतबा आई थी, उसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में भी पहली मर्तबा आई थी
और मैंने तो आपको बताया है कि जो उनके करीबी दोस्त हैं, रुफका हैं, जिनके साथ उनने काम किया है, वो आपको बताएंगे कि उनकी इंतजामी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कैसे विजन सेट करती हैं, कैसे उसको ब्रेक डाउन करती हैं इनटू वेरी स्पेसिफिक प्लान्स, कैसे वो प्लान जो है अपने दोस्तों और रुफका के हवाले करती हैं, और फिर किस इस्तदलाल के साथ वो उसको फॉलो अप करती हैं एवरी वीक। वो अच्छा तमाम चीजें अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। जो 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 सवाल आप पूछ रहे हैं वो उर्दू मुहावरा है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो परसों से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पंजाब वो सूबा है जहाँ पर बड़ी ऑपोजिशन तो है, तहरीक इंसाफ के बहुत लोगों का गिला भी है, वो निगरान हुकूमत में भी गिला करते रहे कि क्रैकडाउन हुए, गिरफ्तारियां हुई, बड़ी जारहाना पॉलिसी उनके खिलाफ जो है वो रियासत ने जो है वो रखी। तो मरियम नवाज बतौर वजीर आला पंजाब तो आ रही हैं, तो क्या उनकी पॉलिसी होगी या क्या उनकी पॉलिसी होनी चाहिए पंजाब में जहां तक ये इंतजामी मामला है, गिरफ्तारियों का ताल्लुक है? देखिए, इसकी पॉलिसी तो वजह हो चुकी है और वाजे भी कर दी गई है। आपने मियां नवाज शरीफ साहब की पहली तकरीर, अगर मैं उसका हवाला दूं, जिसमें उनने कहा था कि ये जितने भी हुजूम में लोग हैं, सबकी माएं हैं, बाप हैं, बीवी है, बच्चे हैं, अगर आपको अपने वालिद का जनाजा नसीब ना हो, आप अपनी वालदा को के साथ ना तदफीन कर सकें एहतराम से, सितरी का एकार से, आप अपनी बेगम के आखिरी लम्हों में उनका हाथ ना थाम सकें, तो ये बहुत दर्दनाक चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क को आगे बढ़ना है, तो उन्होंने बड़ी वाज़े शक्ल में ये कहा था कि दिस इज टाइम फॉर हीलिंग, अब ये मरहम रखने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। और मरियम साहिबा ने भी उसके बाद मुसलसल अपनी तकारीर में यही कहा है कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बाज मरतबा कुछ जो हल्के हैं पीटीआई के, वो सियासत के बजाय बॉर्डर लाइन क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव आते हैं। यानी एहतजाज करना तो हर एक का हक है, लेकिन शहीदों के मुजस्मों को ठोकर मारना तो हक नहीं है, या कोर कमांडर के घर को आग लगाना तो हक नहीं है, या फौज के कले में दाखिल होके लूट मार करने की कोशिश करना असला खाना की, ये तो कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं है, या जीएचक्यू पे दावत देना लोगों को बरमला के हमला कर दो, ये तो बॉर्डर लाइन, या अस्करी टावर को जला देना, यानी ये जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। जो लीडरशिप रोल में हो, जो खिदमत करने के लिए आया हो, उसके लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है कि आप क्या करें। आप जो लोग हैं जिनके घर हैं, माल है, गाड़ियां हैं, उनको आग लगने दें और जत्थों को हमला करने दें ताकि वो तबाही मचा दें और किसी की इज्जत महफूज ना हो, किसी का माल महफूज ना हो, किसी के बच्चे महफूज ना हो, तो ये बड़ी डेलिकेट लाइन है कि आपको फ्रीडम्स भी देने हैं, राइट्स भी देने हैं। देने क्या हैं? लोगों के हैं, ठीक वो फ्रीडम्स लोगों के हैं, राइट्स लोगों के हैं, मगर उनको प्रोटेक्शन भी देनी है आईनी तौर पे। और प्रोटेक्शन देने में अगर कोई एक जत्था किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाए, तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। अब हो सकता है कि गेहूं के साथ घुन भी कुछ पिसा हो, मगर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं वो भी तो आपके सामने हैं, तो उसको बैलेंस करना, ये आपका सवाल जरा मुश्किल है, ये बैलेंस करना मुश्किल होगा। लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की जाएगी, अच्छा और लोगों को उनके राइट्स अप्रोप्रिएट किए जाएंगे, सियासी राइट्स अप्रोप्रिएट किए जाएंगे, ताकि मुल्क मरहम रखा जाए और ये ठीक। पोलराइजेशन खत्म की डॉक्टर जाए। साहब, ये जो एहतजाज हैं जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है इलेक्शन की लेजिटिमेसी को, और फिर जहरी बात है जमातें सड़कों पर आने का भी कह रहे हैं, तो जो काम आप करना चाह रहे हैं क्या वो आप कर भी पाएंगे या नहीं, या ऐसे तो नहीं कि हुकूमत इस फायर फाइटिंग में ही मसरूफ रहेगी? जी मुश्किल तो है, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मुश्किल है और मुश्किल पड़ी हुई है। लेकिन जिन मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो सियासत का हिस्सा हैं, वो मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात हैं गुर्बत, मुश्किलात हैं महंगाई, मुश्किलात हैं बेरोजगारी, मुश्किलात हैं दहशतगर्दी, ये हैं मुश्किलात। लोग बिल नहीं दे पा रहे, और आगे हमने IMF का प्रोग्राम जो है उसे मुरतब देना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, कर्जों से निजात हासिल करनी है, ये है मुश्किलात। ये मुश्किल नहीं है कि एहतजाज हो रहा है तो हो जाए,
हमें अवामी, जब हमने खुद दावत दे दी, मियां शबाज शरीफ साहब ने खुद दावत दे दी पीटीआई को या क्या सुन्नी इतिहाद को कि आप हुकूमत बना लें कोलिशन में, तो ये दावत तो उनको दे चुके हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में हकीकतन मुश्किलात का हल चाहते हैं तो उन्हें दावत कबूल करके हुकूमत बनानी चाहिए थी। अब अगर वो ये कहें कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना हम हुकूमत बनाएंगे ना पीपल्स पार्टी को बनाने देंगे और आपको भी नहीं बनाने देंगे, तो फिर हम बोलते हैं हुकूमत कौन बनाएगा, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यानी क्या वो वही रहे जो उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा है इमरान खान साहब, अच्छा। इस मुल्क को अब पामाल होने दो, तबाह होने दो, और तबाह होने के बाद जो है फिर हम कहेंगे कि देखा तबाह हो गया मुल्क, मुल्क तबाह हो गया। यानी आप अपने बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपीडियंस और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कितनी अजीब सी बात है। तो वो मुश्किलात हमारे सामने हैं, और ये जिस तरह का टेक्निकल रोड़ा अटकाने की कोशिश की है, अगरचे आईएमएफ ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी सियासी एक जमात कर क्या रही है मुल्क के साथ, क्या क्या रही है, खत क्या लिख रही है। खत ये लिख रही है कि किसी को खाना नसीब ना हो, किसी को सेहत नसीब ना हो, मुल्क बर्बाद हो जाए, मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, मुल्क में श्रीलंका वाला हाल हो जाए, ये कह रही है। तो ये हमारे लिए जो असल मुश्किलात हैं वो गरीब लोगों की मुश्किलात हैं जिन्हें दूर करना है। बाकी सियासत अगर पॉजिटिव होती रहे तो उससे हमारी भी जो कोशिशें भी और नतीजे भी उसके जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप सियासी जमात जिसको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका एक बयानिया है, देखिए आपने खुद भी जिक्र किया जो तरीन साहब की कॉन्वर्सेशन जो है वो सामने आई, फिर उसके बाद 9 मई का वाक्या भी हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद वो जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ है उसको वोट मिल रहा है, उसके साथ जो है वो उसका वोटर सपोर्टर उसके साथ खड़ा है। तो आप जो कहते हैं कि हमने सियासत की कीमत चुकाई है, रियासत को हमने बचाना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, तो आपके जो इकदाम हैं क्या उनको लोगों की कबूलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए उन्हें वोट पड़ा है तो हमें क्या पड़ा है, हमें भी तो वोट पड़ा है। अच्छा, और वो कहते हैं धांधली हुई है तो हमारे साथ क्या हुआ है? यानी गुजरांवाला जैसा शहर जहां पे कभी पीएमएलएन नहीं हारी, अगर पीएमएलएन हारती है और जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा से एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि उनका इलेक्शन उनसे चुराया गया है, या ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, अगरचे उन्होंने बहुत ग्रेस दिखाई है मगर वो हारे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हारे हैं, हम उन जगहों पे जहां पे कभी नहीं हारे हारे हैं। आपका अपना जो जितने भी तजियाकार थे वो ये कह रहे थे कि 85 से लेके 110 के करीब पीएमएलएन की सीटें होंगी, तो वो कहाँ गई तमाम सीटें? मगर इस सब के बावजूद हमने खंदा पेशानी से इन चीजों का 2018 में भी सामना किया, जब वो क्या इलेक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया था और चुरा के इमरान खान साहब ले गए इलेक्शन। और इस मरतबा भी अगर उनको भी इस मरतबा कंप्लेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी को भी हैं, हमें भी हैं, मौलाना को भी हैं, लेकिन फिर भी मुल्क को तो आगे बढ़ना है जैसे 2018 में आगे बढ़ाया था। तो हमने तो दावत उनको दे दी कि अगर लोगों ने उनको वोट दिया है, और अगर आप ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, अगर ये बात ठीक है तो फिर उन्हें हुकूमत ले लेनी चाहिए ना भाई, फिर आए ना। अगर लोगों ने वोट दिए हैं तो वो अपनी एक कोलिशन गवर्नमेंट बना के मुल्क के मसाइल हल करें, गरीब के मसाइल हल करें। ये क्या बात हुई कि हमें वोट मिला है लेकिन हम हुकूमत नहीं चलाएंगे और आपको भी नहीं चलाने देंगे, तो मुल्क को क्या करना है, बर्बाद करना है? बस इतना सा मुकदमा है कि किसी तरीके से मुल्क को बर्बाद करना है, हम भी नहीं चलाएंगे आप भी नहीं चलाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे दोस्त, अगर हम भी नहीं चलाएंगे आप भी नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? तो जवाब उसका ये है कि वो कह रहे हैं कि मुल्क को नहीं चलना चाहिए, और उन्होंने आईएमएफ को भी दरखास्त दी है कि रहनुमाई भी फरमाए और मदद भी फरमाए इस मुल्क को पामाल करने में, बर्बाद करने में। तो ये क्या बात है, ये तो कोई लीडरशिप नहीं है, ये तो कोई मान नहीं है वोट का। अगर वोट लिया है और आपको दावा है तो आए चलाएं, जो मुश्किलात हमने हल करनी है आप कर लीजिए हल, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। मगर ये क्या बात हुई कि आप कहें कि नहीं ठीक, हम लेंगे भी नहीं हुकूमत और आपको भी नहीं चलाने देंगे, राइट, यानी मुल्क को बस चलाने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।